हाय इलेवन दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं ये तो आपको मालूम होगा इसे। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि पांच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 18 से पूर्ण विभाजित हो जाती है वो संख्या ज्ञात करनी सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है पाँच अंकों वाली, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपके कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी एसएससी रेलवे बोर्ड किसी भी एग्जाम के लिए। ये कह रहा है देखो क्वेश्चन अपना कह रहा है कि पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 देखो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण विभाजित हो जाती है ना। अब इनसे पूर्ण विभाजित होने का मतलब एक लघुतम, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है। लघुतम में एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे पूर्ण संख्या से विभाजित होती है। देखिए तो इसका एलसीएम दोस्तों दो तरीके से ले जाता है, एक तो गुणनखंड करके और एक फैक्टर करके। देखो तो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो देखो तीन देखो यहाँ पे तीन आएगा, तीन दूनी छः दूनी 12, ठीक है। और 15 का तो दो ही होगा, 3 × 5 और 18 का 3 × 2 × 6 3 × 6 = 18 और 27 का 3 × 3 × 3 3 × 3 = 27। अब देखिए एक जगह से अपन एक ही चीज़ लेंगे, यहाँ से 3 ले लिया तो इसका 3 कामन हो गया, इसका भी 3 कामन हो गया, इसका भी 3 कामन हो गया। फिर यहाँ से 2 ले लिया तो 2 कहीं पे एक 2 और यहाँ का कामन हो गया। फिर इसका 2 लेंगे तो और कहीं पे 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसका 5 लेंगे, कहीं पे 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बस इसका 3 लेंगे तो इसका 3 गायब हो जाएगा और एक 3 बचेगा जो भी अपनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। सभी संख्या लेंगे लेकिन जो कामन होगा उसको नहीं लेंगे। 3 × 6 × 12 5 × 60 और 3 × 3 = 9 6 × 9 = 54 540 एलसीएम कितना आया दोस्तों इसका 540 आया। अब पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होती है, देखो पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999 ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इस संख्या को 540 से भाग दे दो, ठीक है। तो इस संख्या को किससे भाग देंगे, 540 से। ये 540 अपना आया ना, इससे भाग देंगे। अब 540 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 540 एक बार जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ऊपर से 9 होता रहा। अब देखो 5 नहीं 9 × 5 = 45 8 का गुणा 0 8 = 32 का 2 + 3 8 × 5 = 40 × 3 = 43 9 का 9 ही 9 9 में से 2 गया तो 7 5 में 3 गया तो 2
और खट्टा, ऊपर से एक नौ और उतर गया, तीन चार है ना। अब तीन पाँच पंद्रह, पच्चीस पाँच से है ना, ठीक। पाँच का गुणा जीरो, पाँचों बीस की सी पर चलाया दो, पाँचों बीस दो बाईस, नहीं पाँच पाँच पच्चीस, दो सत्ताईस, निन्यानवे बचा। क्या शेष बचा? 99। अब इस संख्या में से अगर 99 घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इसे विभक्त हो जाएगी। ये इसमें से 99 माइनस कर दो तो 0 0 9 9 9, ये एक ऐसी संख्या आई 99,900, एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो किसी इन सभी संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि सुनने आगे होगा। तो इस तरह से उसका एलसीएम लेना और बड़ी संख्या में भाग लगाना, और जो बचे उसका शेष बचे उसका घटा देना, तो जो उत्तर आएगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या प्रत्येक भाग देने प्रत्येक दिशा में ये शेष बचे, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर, देखो पंद्रह अट्ठारह देखो, अब 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 9। ये कह रहा है 9 शेष बचेगा, तो 15 में 9 गए कितने बचे? 6। फिर कह रहा है कि 18 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, यानी कि 6। 21 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 15, यानी कि 6 शेष बच रहा। 24 से भाग देंगे तो 24 से भाग देने पर 18, ये जो 6 बराबर इक्वल संख्या आ रही है, 6 बराबर इसमें इक्वल संख्या आ रही है, कॉमन संख्या आ रही है ना, 6 क्या आ रही है इसमें? कॉमन संख्या आ रही है। अब कह रहा है चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो देखो यहाँ पे अपन लेंगे 15 18 21 24। देखो 15 18 21 24 का एलसीएम ले लेंगे। देखो तीन से लगाया, तीनों पंजे 15, तीन छः 18, तीन सत्रह 21, तीन आठों 24। फिर तीन से लगाएंगे तो 5, तीन दूनी 6, 7 और 8 ऐसे ऐसे ले जाएगा। दो से लगाएंगे तो 5, 2 एकम 2, 7, 2 चौके 8, ठीक है। अभी तो 4 से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 3 9 2 18, 5 90, यह 90 आ गया, और 7 7 4 28, 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 9 8 72 का 2 7, 9 2 18, 7 25, 2520। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 2520 आ रहा है। ठीक है, अब 2520 से चार अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? ये 9999। तो 2 25, 2 4 8, 4 का गुणा 0, 4 2 8, 4 5 20 की सी पर 2, 4 2 8 2 10 ज़्यादा होते हैं, सॉरी 3 से जाएगा, किससे जाएगा? 3 से,
तीन का गुणा जीरो, तीन दूनी छः, तीन पे पंद्रह के पाँच, सिला एक, तीन दून छः एक सात, नौ का नौ ही नौ, नौ में से छः गए तो तीन, नौ में से पाँच गए तो चार, नौ में सात गए तो दो। दो हजार चार सौ उनचालीस। अभी संख्या में से ये शेष बचा है ना, इसको इसमें से घटा दो, दो हजार चार सौ उनचालीस घटा दो, तो नौ में से नौ गया तो जीरो, नौ में से तीन गया तो छः, नौ में से चार गया तो पाँच, नौ में से दो गया तो सात। भाजक और शेषफल में बराबर अंतर नहीं, चार का शेषफल में अंतर चार का। शेषफल का अंतर छः आ रहा है, यहाँ पे छः माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, ये बराबर छः आ रहा ना, छः माइनस कर दो, दस में से छः गए तो चार और पाँच, पाँच सात, सात पाँच पाँच चार, ये इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो एक संख्या है कि पंद्रह अट्ठारह सत्ताईस पैंतीस से भाग देने, प्रत्येक दशम नौ शेष बचे, अब वो संख्या बताना है। देखो अब मैंने आपको बताया एलसीएम लेने का एक तरीका, पंद्रह अट्ठारह सत्ताईस और पैंतीस और शेष कितना बचता है नौ। देखिए इसके दो फैक्टर, तीन इंटू पाँच, इसके तीन फैक्टर होगा, दो इंटू तीन, दो ती छः इंटू तीन, छः ती अट्ठारह, इसी तरह इसके तीन होगा, तीन इंटू तीन इंटू तीन, इसके पाँच इंटू सात, पाँच सौ तो पैंतीस। देखो यहाँ से तीन ले लिया तो तीन ये कॉमन गया, तीन ये कॉमन गया, इसका कुछ भी नहीं गया, ठीक है। फिर यहाँ से पाँच ले लिया तो इसका एक पाँच कॉमन चला गया, फिर यहाँ से दो ले लिया तो दो कहीं है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर इसका तीन ले लिया तो इसका तीन गया, ठीक। अब क्या बचा, एक तीन और बचा और एक सात बचा, ठीक है। तीनों बचे पंद्रह दो तीस, तीन ती नौ नब्बे, नौ ती सत्ताईस और सत्ताईस सात का मल्टीप्लाई, सात का गुणा जीरो, सात सात पचास का नौ, सात दिन चौदह चार अट्ठारह, अट्ठारह सौ नब्बे, अट्ठारह सौ नब्बे। अठारह सौ नब्बे एलसीएम कितना आया, अट्ठारह सौ नब्बे। अभी नौ शेष बच रहा है ना, यूएस में जोड़ दो तो अठारह सौ निन्यानवे इज द राइट आंसर, अठारह सौ निन्यानवे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संख्या को बत्तीस से भाग देने पर उनचाल उनतीस शेष रहते हैं, तो इसी को आठ से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। देखो
किसी भी संख्या मानने की एक से इसको किससे भाग दिया, 32 से, तो शेष क्या रहा 29। अब इसी संख्या को x को किस संख्या से भाग दें, इसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा ये पूछा इसने। इसी संख्या को 8 से अगर भाग दें तो क्या शेष रहेगा, तो जो 29 से भाग देने पर 29, ये 32 से भाग 29 शेष रहा, इस 29 में 8 का भाग लगा दो, 29 में 8 का भाग लगा तो 8 दिया 24, 5, ये 5 शेष रहेगा। क्या आंसर आएगा, 5 शेष रहेगा। अगला कह रहा है 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 65 प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग, पैंसठ प्राकृत संख्या योग क्या होगा, देखो एन कोष्टक एन प्लस वन अपॉन टू, तो कितना होगा 65, और 65 ने कितना होगा 66 बटा 2, 2 से काटा 33, तो 65 में 33 का गुणा करें, 3 बजे 15 का 5 असिला 1, 3 चौटान 1 19, और ये 5 और ये 9 1, 5 9 5 4 असिला 1 10 ने 11 1 ने 2 2145, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2145 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अब मिश्रण वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों, देखिए मिश्रण वाला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। देखो ये कोई मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और वाटर पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है, 4:3। पी कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, मान लीजिए कि ये कितनी है 4x है और ये 3x है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड कर रहा हो, पानी, 5 लीटर पानी ऐड कर रहा है, 5 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा हूँ, है ना। तो देखो 4x/3x+5 है ना, एल्कोहल बटा वाटर, और अनुपात कितना 4:5 हो रहा है, 4/5 हो रहा है, तो गुणा करेंगे। देखो ये 4 से 4 तो यहाँ कट गया, 4 से 4 तो यहाँ कट गया, तो ये 3x+5 = 5x, और 5x इधर माइनस होगा तो 5 में 3 गए तो कितना बचा 2x बराबर माइनस के 5, और x बराबर गुणा वाली संख्या
भाग में, तो माइनस माइनस पाँच बटे दो, और दो 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 दशमलव पाँच लीटर। और दो दशमलव पाँच है और यहाँ चार एक से कितना है, चार एक से, तो दो दशमलव पाँच इंटू चार का गुणा कर देंगे, तो चार पंजे बीस की सी पर चार दून आठ में दो दस, यानी कि दस लीटर कितना हो जाएगा, दस लीटर। अगला क्वेश्चन आता है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के का अनुपात कितना है, अगर थैले में कुल 1008 रुपये हैं तो विभिन्न प्रकार की सिक्कों की संख्या बताइए। देखो एक थैली में, लास्ट क्वेश्चन, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 5 9 4, 5:9:4। अब ये है, इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है और यहाँ कितना सिक्के होते हैं, दो सिक्के होते हैं और यहाँ कितने सिक्के होते हैं, चार। 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, चार, और ये किसके बराबर है, 1008 के बराबर है ना। यहाँ पे अपन एक्स लगा देंगे, इसका अपना एलसीएम लिया कितना है, चार आया, चार एकम चार बन जो 20, दो दूनी चार, नौ दूनी 18, और यहाँ पे एक आया, आठ ने एक नौ और दो ने एक तीन, 39/4, तो 1008/39 × 4 13, 93 × 39 = 95 सॉरी यानी 25 है, नौ यहाँ पे 25 है, ये तो गड़बड़ हो रही है, एक बार ऊपर यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे एक का भाग लगेगा, यहाँ दो का लगेगा, यहाँ चार का लगेगा, अब एलसीएम चार आया और 4 × 20 प्लस 2 9 18 और 4 × 4 = 25 अब 8 5 13 का 3 सिला 1 3 4 2 6 63/4, तो बराबर होगा 1008/63 × 4, 9 7 63, देखो 9 1 9 फिर 10 फिर 9 1 9 फिर 10 18, 9 2 18, 7 1 7
सात चौक 42 और 16 चौक 64, एक एक्स का मान कितना आया 64 आया। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताना है। तो एक रुपए वाले कितने हैं 64 सिक्के और 50 पैसे वाले हैं का अनुपात 9, तो 9 × 64, 9 × 36 का 6 और चला 3, 9 × 54 = 3 57, 576 और 25 पैसे वाले 25 × 64, 25 × 100 = 10 और 25 × 150 = 10 = 160, 1600। तो इस तरह से तीनों प्रकार के सिक्के ज्ञात कर लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।